कॉरपोरेट होस्पिटल बटाला रोड वालों दिल्ली वासी 50 साल औरत दे दिल की बीमारी का सफल ऑपरेशन किया गया। द कॉरपोरेट होस्पिटल के मैनेजिंग डायरैक्टर डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा ने इस बारे जानकारी देंद्या दस्या कि दिल्ली वासी पूजा मेहता जिन्हों की सह लैन दिक्कत आ रही थी उन्होंने वालों दिल्ली विखे कई हस्पतालों में इलाज कराने तो बाद भी कोई भी फर्क ना नज़र आने पर उन्होंने कॉरपोरेट होस्पिटल विखे संपर्क किया। उन्होंने दस्या कि मरीज की जाँच करन ते पता लग्या कि उन्होंने दिल में छेद है, जिस तो बाद डॉक्टर की टीम वालों मरीज का हार्ट लंग मशीन ते ओपन कार्डियक सर्जरी नाल सफल ऑपरेशन किया गया, जिस तो बाद हुण मरीज बिल्कुल ठीक है अते छुट्टी लैके अपने घर जा सकता है। इस तो बाद पूजा मेहता इस ऑपरेशन तो बाद अपने आप नूं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे ने। उन्हां कहा कि द कॉरपोरेट होस्पिटल अमृतसर विच उन्हां दा इलाज बहुत ही वधिया होया है। इस मौके उन्होंने कॉरपोरेट होस्पिटल के MD डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा और सारे स्टाफ का धन्यवाद किया। इतने जिक्र योग है कि द कॉरपोरेट होस्पिटल 150 बैड वाला सुपर स्पैशलिटी होस्पिटल है, जिस विच वर्ल्ड क्लास एक्यूपमेंट नाल मरीजों का इलाज किया जाता है। मिसिज पूजा मेहता 50 ईयर ओल्ड लेडी है, जेडे कि दिल्ली तो हार्ट सर्जरी कराने अमृतसर साढ़े को आए है। इन्हां दे दिल विच एक छेद सी, आम तौर पर छेद जमांदरू बड़े सारे बच्चों हुंदा है, लेकिन अपने आप बंद हो जाता है। जे यह बंद ना हो ते बहुत जल्दी सिमटोमैटिक हो जाता है। सिमटोमैटिक का मतलब है कि पेशेंट सह चढ़न लग पैंदा है और पता लग जाता जल्दी, लेकिन इन्हां बहुत लेट पता लगा। इन्हां अज तो एक महीना पहले करीब करीब पता लगा कि इन्हां कुछ सह चढ़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है या बाजू च पेन हो रही है। इन्होंने दिल्ली बहुत सारे डॉक्टर्स नाल कंसल्ट भी किया और उत्थे दिखाया भी, सारे ने यही इको चीज़ कही कि इन्हों का ऑपरेशन होएगा। स्पैशली ऑपरेशन करा दिल्ली तो अमृतसर आए साढ़े को, और असी भी सारिया इन्वैसटिगेशन करके इन्हों दसता कि यह ऑपरेशन एको एक हल है, होर कोई हल नहीं है। इन्होंने अमृतसर भी बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली इन्हों का फेथ साढ़े कॉन्फिडेंस बनया कि असं कॉरपोरेट तो ओपरेट कराना है। और उस तो बाद असी यह वाली जी ASD कहें एट्रोसेप्टल डिफेक्ट है, यह जो छेद है असी ऑपरेशन तो बगैर भी बंद कर दें, लेकिन इन का छेद इन्ना वड्डा हो चुका सी टाइम नाल, और जी मार्जिन से अच्छे नहीं सी, जिस करके असी वो नहीं सानू पता लग गया कि वो कामयाब नहीं होना। तो असी इन्हों का पूरी कार्डिक सर्जरी जिस दिल बंद करके प्रॉपर बाईपास मशीन से पा के असी कार्डिक सर्जरी करते हैं। असी कार्डिक सर्जरी हर टीम ने की और बहुत कामयाब की है। उस तो बाद असी एक होर ऑपरेशन कल किया, सेम ऑपरेशन कल फिर किया है, वो भी पेशेंट ठीक है बिल्कुल, लेकिन अजे वो ICU है। लेकिन यह पेशेंट को अज असी छुट्टी कर रहे हैं, दिल्ली वापस जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव यही है कि असी पब्लिक नू अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि अमृतसर तो दिल्ली जाके ऑपरेशन होंगे ने। आप अमृतसर के पेशेंट नू दिल्ली का ऑपरेशन इतने लियाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अमृतसर का पेशेंट तो घट्टो घट्ट असी अमृतसर च इलाज करिए कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पॉसीबल होंगे, दिल्ली भी पॉसीबल सी, लेकिन इन्हों के बहुत सारे रैलेटिव भी अमृतसर के सी, अमृतसर तो बिलोंग करते पुराने, लेकिन दिल्ली के रहने वाले है बहुत सालों तो। लेकिन इन्होंने फिर अपना कॉन्फिडेंस, अपना शहर अपना ही होंगे, इन्होंने अपने शहर से देखा सब कुछ देखा कि सेम फैसिलिटीज़ अगर दिल्ली वाली अमृतसर च मिल जाए तो फिर तो वह मुकाबला कोई है नहीं। मेरी लेफ्ट आर्म में पेन आ रहा था और BP शूट कर रहा था, एक्चुअली मुझे BP की प्रॉब्लम है नहीं, ज़्यादा नहीं 160-170 में रह रहा था। तो यहीं पर डॉक्टर आशीष है, मेरी सिस्टर का बेटा ही है, तो उसने मुझे बोला कि आप एक ECG करवा लीजिए, तो वो मैंने करवाई। उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, फिर उसने बोला कि आप ऐसे करो इको करवाओ, ये मैंने दिल्ली से ही करवाया सब। फिर मैंने इको करवाया तो उसमें और प्रॉब्लम दिखी, होल का पता चला। फिर मैं अगले दिन बाई चांस, मेरा यहाँ का वेकेशन का प्रोग्राम था ही, तो मेरी टिकट्स कन्फर्म पहले से ही थी, तो 28 को मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में पता किया, डिस्कशंस की कि क्या है क्या नहीं। कोई कहता था कि ये जस्ट एंजियोग्राफी से ही ठीक हो जाएगा, फिर कोई कह रहा था नहीं सर्जरी होगी। तो सारे अच्छे तरह से डिस्कशंस करने के बाद वापस दिल्ली चली गई थी कि वहाँ जाके भी, क्योंकि वही माइंड में जैसे यहाँ के लोगों के माइंड में है कि अमृतसर तो छोटा शहर है, दिल्ली में ही हो सकता है, मुझे भी यहाँ पर कई लोग जैसे बात करते हैं। तो वहाँ गई तो मुझे वहाँ मैंने मेदांता में एंजियोग्राफी करवाई है, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने भी मुझे ये बोला कि सर्जरी ही इसका एक वो है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सर्जरी के बिना। फिर हमने 2-3 दिन में डिसाइड किया, मैंने अपनी यहीं पर सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं डॉक्टर राकेश शर्मा, उनसे बात की, पता तो उन सबको, हम लोग डिस्कशंस करके चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यहीं कॉर्पोरेट, क्योंकि यहाँ मैं पहले विजिट करके गई थी, तो उनको इन पर काफ़ी ट्रस्ट था और मुझे भी लगा, क्योंकि
सारे इक्विपमेंट्स देखे, सब कुछ देखा। और वैसे भी जब मैं पहले 15 दिन यहाँ अमृतसर में डॉक्टर से मिल रही थी, और मैं दिल्ली में भी मिली हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी गंगाराम में भी पता किया, मेदांता में तो मैं खुद गई, तो सेम जो मेडिसन ये लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे, जो बोल रहे थे, सब कुछ वही वो बोल रहे थे। फिर वो माइंड में आया कि जब एक जैसा ही है तो फिर यहाँ ही क्यों नहीं, ये मेरा अपना घर है यहाँ पर, तो मायका है मेरा यहाँ पर, तो इसीलिए डिसाइड किया कि यहाँ पर। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी वही थैंक यू कह ही रही थी इनको कि आपका स्टाफ, आपका जो भी है ये हेल्पर्स, इवन डॉक्टर्स, सब इतने कोऑपरेटिव हैं कि मैं लग नहीं रहा था मैं इतनी जल्दी खड़ी हो जाऊँगी।